मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम हैं सिवान के भगवानपुर थाने पे और भगवानपुर थाने की स्थिति आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ये थाना जो है इसको देख के अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग याद आ जाएगी। करता था और किस तरह की समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ता था। अभी ये जो थाना है आज़ादी के बाद आज तक इस थाने का एक ईंट तक नहीं रखा गया और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ लोगों को। काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। देखिए जहाँ तक जो भी गाड़ी जब्त होते हैं उसको किस तरह से ओपनली रखा गया है। महंगी महंगी गाड़ियाँ यहाँ सड़ रही हैं और यहाँ पे गोडाउन के नाम पर कुछ नहीं है और जो सुरक्षा होनी चाहिए वो सुरक्षा नहीं मिल रही है। यानी ये सीधे सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो लोग सुरक्षा देते हैं वो खुद असुरक्षित हैं, खुद इस मौत के साये में जीते हैं कि कब ये गिर जाएगा, कब पानी आएगी और कब यहाँ से पानी गिरने लगेगा, जितने भी पेपर्स हैं वो कैसे खराब हो जाएंगे। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम जानते हैं किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप तो यहाँ लगातार आते हो। जी जी धन्यवाद। ये थाना 1979 में स्थापित हुआ है। ये प्राइवेट घर में चलता है। इसका लगता है कि 650 रुपये भाड़े देती है सरकार। ये सड़क जो आप आते हैं निजी लैंड में आते हैं उसका भी रेंट दिया जाता है, तो जमींदार कश्तकार उस सड़क को देता है आने के लिए। इस सड़क इस भवन की स्थिति इतनी बदतर है कि इसमें काले काले नाग निकलते हैं। पुलिस पर जिसको भरोसा है, पुलिस सुरक्षा करती है लेकिन वो रात में सुरक्षित नहीं है। कब इनके साथ कौन सी हादसा हो जाएगी, कौन सा सांप या बिच्छू काटेगा, ये लोग हथियार के मंडंटा लाठी लेकर सोते हैं। इसकी स्थिति बहुत बदतर है। अब तक पुलिस को हाईटेक करना है, सरकार की ये मंशा है चाहे सरकार की घोषणा है कि पुलिस को हाईटेक करना है, लेकिन बिहार की सबसे बदतर हालात माने भवन संसाधन हर मामले में ये सबसे बदतर है। देखिए ये थाना जो है वाकई में बहुत बदतर है और यहाँ जो पुलिसिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। रीजन क्या है कि खुद खौफ में जीते हैं यहाँ के पुलिसकर्मी। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार इस पुराने भवन से नाग यानी सांप निकलते रहते हैं, उससे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जहाँ हाईटेक पुलिस होनी चाहिए वहाँ इस टूटी फूटी और सदियों पुरानी इस मकान में रहने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में कोई अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरे की सुरक्षा करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। स्थानीय और व्यक्ति हमारे साथ यहाँ पे हैं जो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। आप यहाँ थाने पे पहली बार आए हैं या फिर कभी आए हुए हैं? कई बार आना हुआ है। क्या स्थिति लग रही है, क्या क्यों है ऐसा? अब ये बाद का बना हुआ थाना है, पुराना बसंतपुर से कट के ये बना है और इसके लिए प्रशासनिक के लापरवाही कहेंगे, जो अभी तक भवन न बना और न जगह मिली। अभी जानकारी मिल रही है कि ब्लॉक कार्यालय के आसपास में जगह मिल गई है और बिल्डिंग भी बन रही है, लेकिन ये बिल्डिंग 150 साल पुरानी है जो अभी जिसमें ये विद्यालय ये थाना चल रहा है। नील की खेती यहाँ होती थी, उस समय अंग्रेजों ने इसे अपने रहने के लिए बनाया था और आज इसका इस्तेमाल थाने के रूप में हो रहा है। हमें लगता है कि निकट भविष्य में यह कमी दूर हो जाएगी। जी निकट भविष्य में दूर होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल स्थिति ये बनी हुई है कि सुरक्षा देने वाले ये सिपाही, ये थानेदार और यहाँ के पुलिस खुद असुरक्षित है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है बिहार पुलिस के लिए कि ऐसे थाने सिर्फ यही नहीं है बल्कि सिवान नहीं बल्कि बिहार के कई ऐसे थाने हैं जो इससे भी जर्जर स्थिति में है। और इस पे एक सवाल ये बहुत बड़ा खड़ा होता है कि आखिर में जो बिहार सरकार दावे करती है कि हाईटेक थाना बन रहा है, हाईटेक पुलिस हो रही है, वो हाईटेक व्यवस्था सिवान में क्यों नहीं है? कैमरा पर्सन आदित्य के साथ आकाश, न्यूज ब्यूरो सिवान।